उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मानक डेसिबल से ज्यादा धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर बजने को लेकर धार्मिक स्थलों से पुलिस द्वारा लाउड स्पीकर कटवाए गए थे। उनकी आवाज निर्धारित सीमा में बजाने के निर्देश दिए गए थे। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने सभी थाना अध्यक्ष और अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि सुबह 5 बजे से 7 बजे के बीच अपने क्षेत्र में धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर की आवाज चेक करें। इस चेकिंग अभियान के तहत 300 से ज्यादा लाउड स्पीकर की आवाज कम कराई गई, तो वहीं 34 लाउड स्पीकर को पुलिस द्वारा उतार दिया गया। साथ ही साथ सभी को निर्देश भी दिया गया कि निर्धारित डेसिमल के अंदर ही लाउड स्पीकर बजाए। एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में कुल 3,138 धार्मिक और सार्वजनिक स्थलों पर लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया जा रहा है। इन सभी लाउड स्पीकर को चेक किया गया। जिले में पुलिस चेकिंग में 432 लाउड स्पीकर मानक के विपरीत पाए गए, तो वहीं पुलिस ने 398 लाउड स्पीकर की ध्वनि को कम कराया। इसके अलावा 34 लाउड स्पीकर को मौके पर ही उतार लिया गया। सभी को हिदायत दी गई, साथ ही लाउड स्पीकर की आवाज परिसर में ही रहे, इसके बाहर नहीं जाए, जिससे लोगों को असुविधा ना हो, और ये कार्रवाई पूरे जनपद में की गई। देखिए, विगत काफी समय से हम निरंतर जो धार्मिक स्थलों पर तेज ध्वनि में जो लाउड स्पीकर बजाए जाते थे उन पर नियंत्रण किया गया था। पूर्व में भी काफी संख्या में लाउड स्पीकर उतरवाए गए थे और जो भी ध्वनि विस्तारक थे उनकी आवाज को भी कम कराया गया था और जो निर्धारित मानक है उसके अनुरूप उनकी आवाज़ को करवाया गया था। इसी क्रम में कल एक अर्ली मॉर्निंग एग्जॉस्टिव एक्सरसाइज पूरे जनपद में की गई, जिसमें जनपद के सभी वरिष्ठ अधिकारी और सभी थाना प्रभारी और सभी चौकी प्रभारी इन्होंने सुबह 5 बजे निकल के 5 से 7 के बीच में जितने भी जो हमारे चिन्हित धार्मिक स्थल थे, जो लगभग 3,138 के आसपास है, उन सभी को चेक किया गया। और इसी क्रम में कल ये कार्रवाई हुई है, जिसमें कुल मिलाकर करीब 432 स्थान थे जहां पर आवाज़ जो मानक था पूर्व में उससे कुछ अधिक पाई गई, तो जिस उसमें से 398 स्थानों पर उनकी आवाज़ को नियंत्रित करवाया गया था और लगभग 34 स्थानों पर पूरे जनपद में विभिन्न स्थानों में 34 लाउड स्पीकर उतरवाए गए हैं और उनको हिदायत भी दी गई कि भविष्य में ये आवाज़ नियंत्रित रहे और जो भी धार्मिक स्थल हैं उन पर लगे लाउड स्पीकर की जो आवाज़ है परिसर में ही रहे, उसके बाहर न जाए जिससे लोगों को असुविधा हो। तो इस प्रकार ये एक कार्रवाई पूरे जनपद में एक्सेस दी गई थी, इसमें ये कार्रवाई।